हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे मैथ्स पेडागॉजी का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये टर्म जो है मैथमेटिक्स, ये जो टर्म थी ये पाइथागोरस और उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने इस वर्ड को कॉइन किया था और ये ग्रीक वर्ड से लिया गया था। ओके, गणित आप कह सकते हो, जिसका मतलब है इंक्लाइन टू लर्न। सो मैथमेटिक्स को आप कह सकते हो इट इज़ समथिंग दैट इज़ इंक्लाइंड टू लर्न। नेक्स्ट हम ये बात करेंगे कि मैथमेटिक्स एक डिसिप्लिन किस तरह से है। डिसिप्लिन का मतलब होता है कोई भी सब्जेक्ट जो कि फॉर्मली एक तरह से ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है। ओके, और अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो आप देखोगे ये सारी चीज़ें कैसे जाती है। अगर हम स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी तक बात करें तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, तो एक तरह से ये फॉर्मली ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट है। ओके, फॉर्मली ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट। सो इसी वजह से ये मैथमेटिक एक डिसिप्लिन में आता है जिसमें आप पैटर्न्स के बारे में स्टडी करते हैं, नंबर्स के बारे में, ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हो गए आपके, शेप्स वगैरह, डाटा हैंडलिंग हो गया, चांसेस दैट इज़ प्रोबेबिलिटी, ये वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, रीजनिंग हो गया, जनरलाइज करना, तो ये सारे मैथमेटिक्स के डिसिप्लिन के अंदर आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम ब्रांचेस की बात करें, और आप देखोगे जब आपका पेपर होता है कोई सा भी टीचिंग एग्जाम्स, तो इन्हीं ब्रांचेस में से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो जनरली इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है, और स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइमरी लेवल टू सेकेंडरी लेवल, तो ये सारे एक सीक्वेंस में इस तरीके से आते हैं। सो अगर हम बात करें फर्स्ट की, तो दैट इज़ अर्थमेटिक, जिसमें आपका जितने भी नंबर सिस्टम होता है, ऑपरेशंस हो गए आपके 4, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, तो इस पे बेस्ड जो नंबर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो इसी अर्थमेटिक टॉपिक से आते हैं। नेक्स्ट आपका अलजेब्रा हो गया, ठीक है, जिसमें आपके वेरिएबल्स होते हैं। नेक्स्ट ज्योमेट्री में आपका शेप्स हो गए, ठीक है, आपका एरिया, वॉल्यूम, शेप्स, पैरामीटर, कंस्ट्रक्शन, तो ये सारी चीज़ें आपकी ज्योमेट्री में आती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री जो आप सेकेंडरी लेवल पे देखते हो 10th में। ओके, तो उस ट्रिग्नोमेट्री में आपका जो ट्राइंगल है उसके मेजरमेंट की बात होती है यहाँ पे। तो ये आपके मेन 4 ब्रांचेस हैं मैथमेटिक्स के, जिसमें से आपके आप देखोगे आपके जो कंटेंट होता है ना मैथ्स का, तो इन्हीं 4 ब्रांचेस में से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम डेफिनेशन लेते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में, जिसमें ये डिफाइन किया गया है कि मैथ्स को विजुलाइज किया जाता है एज अ व्हीकल टू ट्रेन अ चाइल्ड कि वो सोच सके, रीज़न कर सके हर चीज़ को, यानी कि एज इट इज़ एक्सेप्ट कर ले, रीजनिंग करे, एनालाइज करे चीज़ों को और अपनी बात को लॉजिकली कह सके, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का जो मतलब है, जो मीनिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, इट इज़ मोर देन दैट, दैट इज़ द चाइल्ड इज़ एबल टू थिंक, रीज़न, एनालाइज, आर्टिकुलेट लॉजिकली। ओके, तो ये सारी चीज़ें, ये जो डेफिनेशन है, ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में इस चीज़ को डिफाइन किया गया है। ओके, तो आज का ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था मैथ्स पेडागॉजी के ऊपर, जिसमें से कई बार 1-2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन सा, मतलब किसने मैथमेटिक्स टर्म को कॉइन किया था, और डेफिनेशन भी आ सकती है, और आपके ब्रांचेस हो गए, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। अब धीरे धीरे मैं और वीडियोज़ भी डालूंगी सीक्वेंस में, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और एक मैं प्लेलिस्ट बना दूँगी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।